नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। खबर है पटना से, जहां पर कोरोना की आंधी के बीच में अब जिला प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। लिए गए इस फैसले के तहत अब शहर यानी कि पटना जिले के अंदर में कुल 90 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जहां पर कोरोना का इलाज किया जाएगा। इसके पहले यह आंकड़ा सिर्फ 52 का था। इसमें नए अस्पताल करीब 40 की संख्या में जोड़े गए हैं, जहाँ पर अब कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। जिलाधिकारी की तरफ से जारी एक पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इसके अलावा किसी भी निजी अस्पताल के अंदर में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज गैरकानूनी होगा, क्योंकि वहां पर अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, मसलन ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकने की वजह से किसी की मौत होती है, तो उसके लिए जो अस्पताल प्रबंधन है वो जिम्मेदार होगा और उसके ऊपर में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जिलाधिकारी की तरफ से पत्र लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि पटना के इन तमाम अस्पतालों में लगातार निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जो है विशेष जो एक लिस्ट है वो तैयार की गई है, और इसके साथ ही जो अस्पताल है उनकी संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि लगातार राजधानी पटना में अस्पतालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में इन अस्पतालों में तमाम तरह की बुनियादी सुविधाएँ, मसलन दवाएँ और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो निर्बाध रूप से होती रहे, लिहाजा इसके लिए इन अस्पतालों में को उस विशेष सूची में रखा गया है। आपको बता दें कि इसके पहले पटना में कुल 52 अस्पताल थे, जहां पर कोरोना के मरीजों का निर्धारित संख्या में जो बेड तय किए गए हैं उन अस्पतालों में उसके हिसाब से इलाज चल रहा था। इसके अलावा पटना के एम्स, NMCH, IGIMS, PMCH जैसे जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं, इन सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर पत्र में लिखा क्या गया है। तो जो जानकारी है पत्र के माध्यम से जो दी गई है, उसमें लिखा गया है कि विगत कुछ दिनों से पटना जिले के कोविड-19 संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बड़ी संख्या में कोविड संक्रमितों का इलाज विभिन्न सरकारी निजी अस्पतालों में लगातार चल रहा है। इस कार्य में पूरा प्रशासनिक तंत्र 24/7 लगा हुआ है। इस हेतु सरकारी अस्पतालों के अलावा कुल 90 निजी अस्पतालों को कोरोना संबंधित मरीजों के उपचार के लिए चिन्हित किया गया है। इन चिन्हित अस्पतालों के अलावा किसी अन्य निजी अस्पताल में बिना पूर्व अनुमति के कोरोना मरीजों का इलाज करना प्रतिबंधित है, क्योंकि इनकी निगरानी एवं उनको आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। इसी प्रकार निजी अस्पतालों में भी निर्धारित बेड की संख्या में वृद्धि पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए, ताकि इसके लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आकलन किया जा सके। साथ ही लेटर में लिखा गया है कि इन तथ्यों के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में निर्धारित संख्या से अधिक बेड का उपयोग करने तथा गैर चिन्हित निजी अस्पतालों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के कोविड मरीजों का इलाज करने की स्थिति में होने वाले किसी प्रकार की दुर्घटना एवं अप्रिय स्थिति के लिए जिम्मेवार जो है वो संबंधित संस्थान ही होगा और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो 90 अस्पताल कौन से हैं पटना के, जहां पर आप इलाज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना, फोर्ड हॉस्पिटल खेमनीचक, राजेश्वर हॉस्पिटल, पारस HMRI, समय हॉस्पिटल, एशियन सिटी हॉस्पिटल, मेडी पार्क हॉस्पिटल, नारायणी इमरजेंसी हॉस्पिटल, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, प्लस हॉस्पिटल, श्री साई हॉस्पिटल, धर्म सुपर स्पेशलिटी, बिग अपोलोस हॉस्पिटल, पुष्पांजलि हॉस्पिटल, रैनबो इमरजेंसी हॉस्पिटल, उद्यन हॉस्पिटल, एटेलिना हॉस्पिटल, नेस्तिवा जय आरोग्य हॉस्पिटल, श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल, श्री राम ईश्वर दयाल मेमोरियल हॉस्पिटल, जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल, KP सिंह मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी, CNS न्यूरो, हाईटेक इमरजेंसी हॉस्पिटल, मेडिवर्सल हॉस्पिटल, रॉयल हॉस्पिटल, सहयोग हॉस्पिटल, सत्यम हॉस्पिटल, निदान हॉस्पिटल, अधिविक हॉस्पिटल, निवेदा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सनराइज हॉस्पिटल पटना, तारा हॉस्पिटल, आरोग्यम एशिया हॉस्पिटल, हिमालय हॉस्पिटल, होली प्रॉमिस हॉस्पिटल, मेडिजोन हॉस्पिटल, समर्पण ट्रॉमा, स्पर्श हेरिटेज हॉस्पिटल, सम्राट इमरजेंसी एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, मेडेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पाम व्यू, उमा बुद्धा हॉस्पिटल, सन हॉस्पिटल, आस्था हॉस्पिटल, कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल, लव एकेडमी, सैमफोर्ड, श्री मुरलधर मेमोरियल नर्सिंग हॉस्पिटल बाढ़, श्याम हॉस्पिटल, MR हॉस्पिटल, अरविंद हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, बुद्धा कैंसर हॉस्पिटल, गेटवेल हॉस्पिटल, आरती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पाटलिपुत्रा मल्टी प्लस, आनंदिता हॉस्पिटल, कैपिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अर्थ हॉस्पिटल, गंगोत्री इमरजेंसी, न्यू मैक्स केयर हॉस्पिटल, SS हॉस्पिटल,
उद्गर्ण हॉस्पिटल, श्याम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पालिका विनायक हॉस्पिटल, एडवांस न्यूरो, अपोलो, आयुष्मान, आरएन स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैक्स केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर विमल, जीएस न्यूरो साइंस, हार्ट, महावीर आरोग्य, महावीर कैंसर, महावीर वात्सल्य, मेडिका मगध, एमजीएम चाइल्ड, त्रिपोलिया, जीवन दीप हॉस्पिटल, ये तमाम वो अस्पताल हैं जो कि 90 हैं। इन अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए इनको चिन्हित किया गया कोरोना मरीजों के लिए। दो बातों का ख्याल रखें कि हर अस्पताल में पूरी तरीके से अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड नहीं किया गया है, बल्कि वहाँ पर कुछ बेड्स को आरक्षित किया गया है कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए। इसके पीछे का जो जो पॉइंट दिया है जिला प्रशासन ने, उसका मतलब कहना ये है कि इन अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हो सके, इसके लिए विशेष निगरानी टीम बनाई गई है और वहाँ पर जितने बेड हैं उस हिसाब से वहाँ पर लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जाएगी। और यही वजह है कि इसके अलावा किसी और अस्पताल के अंदर में किसी भी मरीज का इलाज करना गैरकानूनी होगा बिना पूर्व सूचना के। और अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है या जहां पर किसी मरीज की मौत हो जाती है या कोई घटना होती है तो इसके लिए भी जिम्मेवार जो है उसी अस्पताल प्रबंधन को माना जाएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।